नमस्कार मित्रों, मैं हूं आपके साथ अशोक वर्मा। आप देख रहे हैं TV20 न्यूज। बने रहिए हमारे साथ। अब खबरों की करते हैं शुरुआत। तो खबर आजमगढ़ से, जहां सगड़ी तहसील परिसर में आज संपूर्ण समाधान दिवस का आयोजन किया गया। जर्जर पुल के क्षतिग्रस्त होने के बाद अप्रिय घटना न घटे इसके मद्देनजर कुछ ग्रामीणों ने पुल की मरम्मत करने की मांग की उठाई। आपको बता दें तो जानकारी के अनुसार जैनपुर चंगई के टेकनगाड़ा व अन्य ग्राम पंचायतों का संपर्क मार्ग नाला है, जिस पर पुल जो की जर्जर अवस्था में है। पुल का पूर्वी हिस्सा गिर गया है, जिसमें किसी भी समय अप्रिय घटना घट सकती है। सौरवपुर गांव निवासी पूर्व प्रधान महेश कुमार व ब्रजेंद्र पुत्र रामानंद ने आज संपूर्ण समाधान दिवस पर प्रार्थना पत्र देते हुए मांग उठाया है कि जनता की सुरक्षा को देखते हुए जर्जर पुल की जांच कर पुल की मरम्मत कराई जाए, ताकि भविष्य में कोई अप्रिय घटना न घटे। जिस पर यह आश्वासन दिया गया कि इस समस्या पर गंभीरता पूर्वक विचार कर जल्द ही कार्रवाई की जाएगी। मीडिया से बातचीत करते हुए क्या कुछ कहा है पूर्व प्रधान महेश कुमार ने आपसे? क्या नाम है आपका? हमारा नाम महेश कुमार, पूर्व प्रधान सौरवपुर। हमारे ग्राम पंचायत के सटे चंगईपुर बॉर्डर पर जर्जर पुल है, जिसका पूर्वी हिस्सा टूट गया है। आज हम लोग समाधान दिवस पर डीएम साहब के दिशानिर्देश हम लोग आए थे, लेकिन जब हम चौके तो निकल गए, लेकिन हमारे CDO साहब ने, विकास अधिकारी ने उनको दिया गया ज्ञापन पत्र। उन्होंने कहा कि हम ठीक है, लोक निर्माण विभाग को दे रहे हैं और PWG JEE से बुलाए, लेकिन वो JEE साहब उपस्थित नहीं थे, लेकिन उन्होंने हमको अवगत कराया कि हम जल्द से जल्द उसको कार्रवाई करेंगे।